हेलो ऑल, मैं हूँ नायरा। आज की रेसिपी है चाय, जिसके बिना ना आपका, ना मेरा और ना किसी और के दिन की शुरुआत होती है। हर घर की चाय बनाने का अपना तरीका होता है, पर मैं आज आपको बताऊंगी मसाला चाय पाउडर ना होने पर चाय कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो पहले बनाएंगे चाय का मसाला, और उसके लिए चाहिए होंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे 3 से 4 इलायची, 3 से 4 लौंग, 5 से 4 काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, तुलसी के पत्ते और चक्रफूल। अब एक कढ़ाई लें और उसे धीमी आंच पर गैस पर रखें। इसमें डालें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी। दालचीनी को हम तोड़ के डालेंगे। दालचीनी से चाय का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इससे बहुत ही टेस्टी लगती है चाय। चक्रफूल और इलायची। अब इन खड़े मसालों को सेकना है हमें अच्छे से। इसमें अदरक और तुलसी नहीं डालना है, उसे बाद में डालना है। इन सब मसालों को तब तक सेकिए जब तक इनमें से खुशबू ना आने लगे। और जैसे ही खुशबू आती है, गैस बंद करके मसालों को अमाम दस्ते में ट्रांसफर कर ले। ट्रांसफर करके मसालों को अच्छे से कूट ले। तो देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल कूट चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं मसाला चाय। चाय बनाने के लिए एक पतीला ले और उसे भी धीमी आंच पर गैस पे रखें, और उसमें डालेंगे पीसे हुए गरम मसाले और 1 गिलास पानी, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर ले। अब अदरक को कद्दूकस करके डालें। अदरक दूध डालने से पहले डालें, क्योंकि कई बार अदरक दूध को फाड़ देती है, तो रिस्क क्यों लेना। और फिर इसमें डालें 3 से 4 तुलसी के पत्ते। अब इन सबको मिक्स करके बॉईल होने दें। जब ये बॉईल हो जाए, इसको आप छानकर सर्दियों में भी पी सकते हैं, क्योंकि ये हमारा देसी काढ़ा है। तो चलिए अब इसमें डालें 2 कप दूध और उसे उबलने दें। अगर ज्यादा कप बनाने हैं तो जितने कप बनाने हैं उतना दूध और पानी का कप ज्यादा डालें। अब इसमें डालें 2 चम्मच चाय पत्ती। जितने कप बना रहे हो उतने चम्मच और चीनी आप अपने अनुसार डालें, पर हाँ, ज्यादा चीनी मत डालना, क्योंकि चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। अब चाय को पकने दें। चाय को गाढ़ा होने तक उबालें। जब भी चाय उबले, उसे एक चम्मच से हिलाए ताकि बाहर ना गिरे और अच्छे से मसाले उसमें मिक्स हो जाए। और बीच में एक बार मिठास जरूर चेक कर लें। अब चाय को पकने दें। चाय को भूरा होने तक और जब तक इसमें दूध का स्वाद ना चला जाए तब तक पकाएं, नहीं तो चाय कच्ची रह जाएगी और वो तो आप चाहेंगे ही नहीं। और अब लास्ट में एक बार और चाय को उबाल दे और फिर इसे डायरेक्ट कप या केतली में छान ले।
और इसे गर्मा गर्म परोसे। मसाला चाय आपकी इम्यून और एनर्जी को बूस्ट करती है। इसके काफ़ी सारे हेल्थ रिलेटिव फ़ायदे भी हैं और साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जिनके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। तो आप बताइए कैसी लगी मेरी ये रेसिपी नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें।